चुटकू क्या कर रही है? Dad, I am a superwoman! अरे वाह, मुझे तो उड़ती हुई दिख भी रही है ना? और मैं तो तुम्हारे लिए परफेक्ट गिफ्ट भी लाया हूँ। क्या? इसमें सारी वो सुपरवुमन की कहानी है, असली सुपरवुमन की कहानी, जिन्होंने अपने सुपर पावर से देश में नाम कमाया है, अपनी कामयाबी हासिल की है और तो और सबको एम्पावर भी किया है। वाओ! कहानी सुनोगी? पक्का? चलो, इट्स कहानी टाइम, स्टोरी टाइम। चल। रेडी? ओके। इसको भी सुनाओगी? हाँ, इसको तो आज पक्का सुनाऊंगी। अच्छा, तू भी सुन के ही सुना। तो आज मैं तुम्हें सुनाता हूँ कुछ सुपर एंटरप्रेन्योर वीमेन की कहानी, जिन्होंने अपने बिजनेस से सबको हैरान कर दिया। सुपर एंटरप्रेन्योर वुमेन। रेडी? यस। तो आज से करीब 64 इयर्स पहले मुंबई के गिरगांव चौपाटी के एक साधारण से घर में रहती थी जसवंती बहन जमुना दास पोपट, जिन्होंने ना सिर्फ इंडिया बल्कि दुनिया के कई देशों तक पहुंचाए टेस्टी टेस्टी कुर्रम कुर्रम वाले लिज्जत पापड़। तुमने देखा नहीं होगा वो एड, हमारे बचपन में आता था। ये ना तो ज्यादा पढ़ी लिखी थी और ना इनके पास पैसे थे और ना ही बिजनेस करने की कोई समझ, पर अमेजिंग बात ये है कि इन्होंने सिर्फ 80 रुपीज का इन्वेस्टमेंट लेकर एक ऐसा बिजनेस खड़ा किया जो आज 1600 करोड़ का बन चुका है। 1600 crores. What? Wow. है ना? Great. आज लिज्जत पापड़ इंडिया के 17 स्टेट्स में बिकता है और 82 ब्रांचेस में ये बनाया जाता है। इस काम की शुरुआत जसवंती बहन ने अपने घर की छोटी सी छत से की थी, पापड़ तो छत पे ही बनता है ना, जहां उन्होंने अपनी 7 फ्रेंड्स के साथ मिलकर पहली बार पूरे 1 किलो आटे का पापड़ बनाया और उन्हें बाजार में जाकर बेच दिया। उस दिन उन्हें पूरे 50 पैसे का प्रॉफिट हुआ था। वो कॉइन तो तुमने देखी भी नहीं होगी ना? नहीं। उस वक्त 50 पैसे की बहुत वैल्यू होती थी। दूसरे दिन उन्होंने अपने दोस्तों के साथ मिलकर 2 किलो आटे का पापड़ बनाया और उन्हें फिर से जाकर बेच दिया। उस दिन 1 रुपए का प्रॉफिट हुआ। ये प्रॉफिट की बात तो जैसे आग की तरह फैल गई और जसवंती बहन के साथ मिलकर बहुत सी और महिलाएं पापड़ बनाने लगी। जो काम जसवंती बहन ने बस अपने पति का हाथ बटाने के लिए शुरू किया था, वो धीरे धीरे बड़ा होता चला गया। आज लिज्जत पापड़ में लगभग 45,000 औरतें काम करती हैं, जिन्हें लिज्जत सखी कहा जाता है। लिज्जत क्या? लिज्जत सखी। यस, गुजराती में लिज्जत का मतलब होता है टेस्टी, और रोज ये टेस्टी पापड़ बनाकर एक लेडी करीब 650 रुपीस तक कमा लेती है, यानी लिज्जत उनकी इज्जत भी बन गई है। जब जब जसवंती बहन अपना बिजनेस एक्सपैंड करने की सोचते हैं तो वो ज्यादा मशीन नहीं लगाते, बस ज्यादा औरतों को अपने साथ जोड़ लेती है और उनका बिजनेस एक्सपैंड हो जाता है। ऐसा करने के पीछे उनकी एक सोच है कि ज्यादा से ज्यादा महिलाओं को काम मिले और उनके हाथों का स्वाद देश विदेश तक पहुंचे। लिज्जत पापड़ देश में ही नहीं बल्कि 25 कंट्रीज में खाया जाता है। जसवंती बहन का ये बिजनेस सही मायनों में मेक इन इंडिया इनिशिएटिव का एक लेजेंडरी एग्जांपल है, जिसके लिए इन्हें भारत सरकार द्वारा पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित भी किया जा चुका है। वाओ! तो जैसे जसवंती बहन ने अपने पापड़ के बिजनेस से क्रांति लाई थी, ठीक वैसे ही एक और बिजनेस सुपरवुमन है जिन्होंने अपने नाम पर एक रिकॉर्ड कर लिया है, और ये है ऑनलाइन मार्केटप्लेस shopclues.com की फाउंडर राधिका घाई अग्रवाल। shopclues? मम्मा तो यही से शॉपिंग करती है। बिल्कुल सही, बहुत शॉपिंग करती है।
राधिका अग्रवाल इंडिया की फर्स्ट फीमेल यूनिकॉर्न बनी। यूनिकॉर्न जानती हो क्या है? नो डैड। ओके, यूनिकॉर्न वो होता है जिनके स्टार्टअप की वैल्यू $1 million से ज्यादा होती है, यानी कि 1 बिलियन माने कि तकरीबन 800 करोड़ रुपए। ठीक है, अभी गिनो मत, बाद में गिनते हैं। उन्होंने अपनी पढ़ाई खत्म करने के बाद कई मार्केटिंग कंपनीज में जॉब करी और फिर अच्छा खासा एक्सपीरियंस लेने के बाद 2011 में ऑनलाइन रिटेल स्टोर shopclues.com की शुरुआत की। ये एक ऐसा मार्केट प्लेस था जहां फैशन से लेकर फूड तक और मशीन से लेकर मेकअप तक सब कुछ होलसेल प्राइस में अवेलेबल था। होलसेल क्या होता है? होलसेल यानी सब कुछ बहुत सारा और अच्छे क्वालिटी का एक बार में आपको मिल जाए, और उसी वजह से ये सुपर हिट भी हो गया। इनकी टैगलाइन भी बहुत वायरल हुई, जहां इन्होंने कहा टिंग से लेके टोंग और डिंग से लेके डोंग सब कुछ मिलेगा ऑन shopclues.com। 2016 में राधिका अग्रवाल को एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर एंड सीईओ ऑफ द ईयर ये दो अवार्ड्स मिले, और ये अपकमिंग जेनरेशन के लिए इंस्पिरेशन बन गई। क्या बात है। राधिका जी की तरह एक और एंटरप्रेन्योर है जो अपनी फील्ड की मास्टर है, वो है इंडिया की सबसे बड़ी फार्मास्यूटिकल कंपनी बायोकॉन लिमिटेड की चेयरपर्सन और मैनेजिंग डायरेक्टर किरण मजुमदार शॉ। इन्होंने अपने काम की शुरुआत 10,000 रुपए की एक किराए के घर से की थी, और आज किरण मजुमदार इंडिया की रिचेस्ट वुमेन में से एक है। जस्ट वुमेन? सिर्फ भारत की ही नहीं बल्कि दुनिया की मोस्ट पावरफुल वुमेन की लिस्ट में इनका नाम आता है। वाओ, मेरा तो हाउसिंग सोसाइटी की लिस्ट में भी नाम नहीं आता है। इन्होंने बैंगलोर के एक कॉलेज से जूलॉजी में बैचलर्स डिग्री ली, और उसके बाद ये मेडिकल की पढ़ाई करना चाहती थी, लेकिन सैडली किसी भी कॉलेज से स्कॉलरशिप नहीं मिली और ये मेडिकल की पढ़ाई कंटिन्यू नहीं कर पाई। तब इनके डैड ने इन्हें फर्मेंटेशन साइंस पढ़ाकर ब्रू मास्टर की ट्रेनिंग लेने के लिए इंस्पायर किया। देखो, डैड की बात माना करो। वैसे ये करियर के लिए एक यूनिक फील्ड है, और इस तरह की और भी इंटरेस्टिंग साइंटिफिक फील्ड्स में अगर तुम्हें जाना है तो तुम्हें और जानकारी चाहिए होगी। हाँ। तो तुम्हें खुद पता करना होगा। ओके। तो पता है कहाँ से पता करना होगा? नहीं, मैं नहीं बताऊंगा, तुम्हें पता करना होगा। बताना तो पड़ेगा। माइंड वर्ड्स ऐप डाउनलोड करो और खुद जानकारी हासिल करो, और फिर अपने सारे दोस्तों को भी बताना। इस ऐप को डाउनलोड करके तुम बहुत सारे इंटरेस्टिंग क्विजेस भी खेल सकती हो और खुद ब खुद प्राइजेस भी जीत सकती हो। मम्मी को मत बोलना मैंने बताया था। मैं जरूर करूंगी और अपने सारे फ्रेंड्स को बोल दूंगी कि ये डाउनलोड कर ले। शाबाश, ब्रू मास्टर की लाइन तो सजेस्ट कर दी थी, पर यहाँ एक प्रॉब्लम थी। क्या? ब्रूइंग में गर्ल्स नहीं जाती थी क्योंकि ये ट्रेनिंग एल्कोहल बिजनेस में काम आती थी, लेकिन फिर भी हिम्मत दिखाई और अपने डैड की बात मानकर उन्होंने ऑस्ट्रेलिया से ट्रेनिंग पूरी करी और 1975 में मास्टर ब्रूअर की डिग्री हासिल की। फिर इन्होंने इंडिया आकर एज अ ब्रूअर काम भी किया। जल्द ही उन्हें जॉब नहीं बल्कि अपना बिजनेस करना चाहिए, लेकिन यहाँ और प्रॉब्लम शुरू हो गई। क्या? लोग इन पर और इनके बिजनेस मॉडल पर ट्रस्ट ही नहीं करते थे, बैंक भी लोन देने को रेडी नहीं थे। तब भी इन्होंने हार नहीं मानी और अपनी कोशिश करती रही। सबसे पहले इन्होंने पपाया फ्रूट से पेपेन एंजाइम्स को सेपरेट करने की फैक्ट्री लगाई, जिसके लिए इन्हें पहली बार बैंक ने लोन दिया। इस एंजाइम को इन्फेक्शन और वोन्स को हील करने की दवाई बनाने के लिए यूज किया जाता है। लोन मिल गया और यहां से इनकी गाड़ी निकल पड़ी। इसके बाद अपनी रिसर्च और डेवलपमेंट टीम को बहुत स्ट्रॉन्ग किया और कॉस्ट इफेक्टिव ड्रग्स बनानी शुरू की, जो कॉमन लोगों को सस्ते दामों पर आसानी से मिल सके। इनकी इसी सोच ने इन्हें इतना बड़ा बना दिया कि ईयर 2022 के एंड तक बायोकॉन लिमिटेड यूनिकॉर्न क्लब में एंटर करने के लिए पूरी तरह से तैयार खड़ी है। अब किरण जी को तो उनके डैड ने इंस्पायर किया था, जो दूसरी एंटरप्रेन्योर के बारे में मैं तुम्हें बताने वाला हूँ उनको अपने बच्चों ने इंस्पायर किया था।
जानना है कैसे? हाँ। प्लीज बोलो। प्लीज। ओके, आई लव यू टू। जल्दी से प्ले स्टोर पर जाकर माइंड वॉर्स का नया ऐप डाउनलोड कीजिए। खेलिए बहुत सारे क्विजेस विच ब्रिज द गैप बिटवीन स्टडीज एंड योर बडीज, और पाओ गेम्स खेलते खेलते स्टडी करने का मजा। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? डाउनलोड द ऐप नाउ।